हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पेडलो मीडियो पे। आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम में वो क्या पढ़ाएंगे आपको, नंबर ऑफ जीरो, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें पीछे शून्य की संख्या कितनी है, यानी कि पीछे क्या है, नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करना है। तो बेटा आज हम नंबर ऑफ जीरो पे पढ़ेंगे, बेटा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो भी हम जिनको बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी भी नंबर के पीछे कितने शून्य हैं आज बेटा हम वो शून्य ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन बच्चे आप ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस भी बच्चे हम आज सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, क्या बेटा मेरी आवाज़ सबको क्लियरली सुनाई दे रही है। भगत सिंह जय हिंद बेटा, ध्रुव हेलो, क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है। टुडे इज विच टॉपिक बेटा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ओके हेलो करिश्मा, कैसे हैं सभी बच्चे, सब बच्चे बढ़िया हैं मेरे बेटा, आवाज़ सबको क्लियरली सुनाई दे रही है, वीडियो क्लियर है। ओके वेरी गुड भगत जी। स्टूडेंट सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। फिर बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आवाज़ ऐसा लग रहा है किशोर कुमार मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्या बात है करिश्मा, एवरीथिंग इज क्लियर, हमने शेयर भी कर दिया, क्या बात है भगत जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे स्टार्ट द सेशन, बिल्कुल बेटा भगत आपने शेयर कर दिया, तो बेटा डेफिनेटली हम ना सेशन भी स्टार्ट करते हैं। बच्चे सभी बच्चे जल्दी से पेंडुलम वीडियो को, वेरी गुड ध्रुव, ध्रुव बेटा बहुत अच्छे क्लियर, वेरी गुड बेटा। चलिए तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या बेटा, शून्य की संख्या, इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हम भी कर दिए हैं शेयर, वेरी गुड ध्रुव बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, आप सभी बच्चों ने वीडियो शेयर किया, सभी बच्चे वीडियो लाइक भी करना बेटा। ओके तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है इसका क्या ही मतलब है और इसका क्या ही हम इसे पढ़ने वाले हैं बेटा, इस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम आज सारी बातें बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चे जरा ध्यान से देखना, अगर हम शून्य की संख्या की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात कर रहे हैं, जैसे बेटा मैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट लूँगा, बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे और उससे हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा प्रश्न नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से अगर बात करें, मैंने लिखा लेट सपोज यहाँ पे 15 इंटू 20 इंटू 38 इंटू 36 इंटू 25, आपसे पूछा गया इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, या फिर इसमें क्या बताना, शून्य की संख्या बताइए या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। इसके गुणनफल में पीछे शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी, ऐसे भी लिख सकते हो, गुणनफल में पीछे शून्यों की संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ध्यान से देखना, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और जो इससे क्वेश्चन आएगा, जो हम पढ़ने वाले हैं हाई एग्जाम क्रैक फूड, जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, जो इससे क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आपको ये प्रश्न दिया हुआ बच्चे, तो हम क्या कर रहे होंगे, नंबर ऑफ जीरो, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो जीरो है उसका फॉर्मेशन होता कैसे है, जीरो बनता कैसे है बच्चे। तो देखो जो जीरो का फॉर्मेशन है बच्चे, जो जीरो बनेगा वो हमेशा टू और फाइव के कॉम्बिनेशन से बनेगा बच्चों, आपको पता है अगर आप 2 इंटू 5 कर दो तो बेटा 10 मिलेगा और 10 आपको एक जीरो देगा, और 10 हमेशा जब भी कोई जीरो बनेगा वो हमेशा 10 यानी कि क्या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही होगा बेटा। यानी कि अगर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करनी है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 बेटा फाइंड कर लो, सही बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो यानी कि क्या शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करोगे उसमें कितने 2 होंगे और कितने 5 होंगे ये आप ज्ञात कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चे अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ तो इसमें ज्ञात करना बहुत ही आसान है, कैसे बेटा देखो, अगर आप 5 देखो यहाँ पे 15 में 1 5 होगा 5 की घात 1, ठीक है, 20 में देखोगे तो आप इसे कैसे लिखोगे बेटा, गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ओके अगर आप 38 में देखोगे तो इसे कैसे लिखेंगे, गुणा 2 की घात 1, ठीक। अगर आप 36 में देखोगे तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ठीक। अगर बेटा 25 में देखोगे तो इसे कैसे लिखोगे, गुणा 5 की घात 2। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना कि इसमें नंबर ऑफ 5 यानी कि क्या है, 5 की संख्या कितनी, 1 ही रहा,
एक ये रहा और दो ये रहे, यानी कि नंबर ऑफ फाइव कितने हैं, नंबर ऑफ पांच कितने हैं, तो देखोगे नंबर ऑफ फाइव यानी कि क्या है, पांच की संख्या कितनी है बच्चे, चार है, यानी नंबर ऑफ फाइव कितने बेटा, फोर है। नंबर ऑफ टू देखो कितने इसमें बेटा, ये कितने, फोर प्लस वन, वो सॉरी टू प्लस वन, थ्री प्लस टू फाइव, यानी कि जो दो की संख्या है ये बेटा कितनी बार आई है, पांच बार आई है। ध्यान से देखना बेटा, पांच की संख्या कितनी, चार बार आई है, यानी नंबर ऑफ फाइव कितने, फोर है, और नंबर ऑफ टू कितने बच्चे, फाइव है। ठीक, अभी बच्चे ध्यान से देखो, आपको चाहिए नंबर ऑफ जीरो, अगर नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो आपको पता है एक इसमें से फाइव, इसमें से एक टू लेके एक शून्य बना देगा, यानी कि क्या है, एक पांच एक दो लेके एक शून्य का निर्माण करेगा, आप ऐसा समझो बेटा, एक फाइव एक टू लेके एक क्या बना देगा, आपका जीरो बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा फाइव कितने, फोर है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वो फोर टू को ले लेगा, इसमें से फाइव में से क्या है, फोर टू को ले गया, और बेटा नंबर ऑफ जीरो कितने बना देगा, तो आपका होगा नंबर ऑफ जीरो कितने बना देगा, वो फोर, कितने बना देगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोज। तो बच्चों यहाँ से बेटा शून्यों की संख्या लिख लो आप, यहाँ पर शून्यों की संख्या और अच्छे से लिखना, तो पीछे शून्यों की संख्या वो कितनी होगी बच्चे हमारे पास, चार। तो ध्यान से देखना बेटा, इनमें से जो भी नंबर कम आएगा हमेशा वही आंसर होगा, नंबर ऑफ टू और नंबर ऑफ फाइव, इनमें से जो भी नंबर आपका कम आएगा वही आपका क्या होगा, हमेशा आंसर होगा, यानी कि हमेशा आपके पास उत्तर वही होगा, जो भी संख्या इसमें से कम लिखी होगी वही आपके क्या हो, उत्तर को निरूपित कर रही होगी बेटा। तो यहाँ से देखो, अगर आपको नंबर ऑफ जीरो जिसमें फाइंड करना है, तो आपने क्या किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर ऑफ फाइव और नंबर ऑफ टू बेटा फाइंड कर लिए। तो नंबर ऑफ फाइव देखा तो फाइव फोर है, नंबर ऑफ टू कितने, फाइव है, तो बेटा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। ठीक, अभी बच्चे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आप ना क्वेश्चन आपको ऐसे ना पूछा जाए, क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। अभी तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन अभी सिर्फ चार नंबर का पांच नंबर का हो रहा था, तो आपने बड़ी इजीली यानी कि बहुत आसानी से उसमें नंबर ऑफ टू और नंबर ऑफ फाइव ऐसे कैलकुलेट बच्चे कर लिए। लेकिन अब वो क्या करेगा पता है, अब वो कहेगा आपको नंबर ऑफ जीरो यानी कि क्या शून्यों की संख्या तो बताने, ट्रेलिंग जीरोज तो आपको बताने हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत बड़ा है। देखो बेटा कैसे, उसने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन हमने ये कर दिया है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू टेन। अब क्या बताना बेटा आपको, नंबर ऑफ जीरो यानी कि क्या बताना है, शून्यों की संख्या गुणनफल में, पीछे शून्यों की संख्या बताइए। बताइए सही बच्चे, क्या आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? अब बच्चे ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ फाइव क्या है, काउंट करना। अब देखो सर, नंबर ऑफ फाइव यहां से काउंट कर सकते हैं सर, इसमें देखो एक पांच ये रहा, और सर एक पांच ये रहा, क्योंकि इसको पाँच गुणा दो लिखोगे तो सर नंबर ऑफ फाइव निकालने में तो दिक्कत सर इसमें भी नहीं है, क्योंकि सर हमने इसके साथ निकाल लिया और इसके साथ निकाल लिया, तो हमने देखा सर एक पाँच ए रहा और एक पाँच ए रहा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ फाइव कितने, टू है। बेटा देखो कैसे पता चला आपको, बताइए ये तो पाँच की घात एक है, ठीक है, ये कैसे लिखोगे आप, तो देखोगे दो गुणा पाँच की घात एक। अब मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ टू भी तो चाहिए, आपने कहा कि दो की संख्या, पाँच की संख्या कितनी इसमें आया, पाँच की संख्या कितनी बार आई बेटा, आपने कहा सर दो बार आई, मैंने कहा नंबर ऑफ टू भी तो चाहिए आपको, तो दो की संख्या कितनी बार आएगी, तो बेटा आप कहोगे सर टू हम कैसे निकालें, एक ये रहा दो ये रहे तीन, अरे यहाँ पे क्या है, दो और एक तीन, ठीक है, तीन एक चार, चार और तीन सात, सात और एक आठ, नंबर ऑफ टू कितने हैं सर, एट है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या एट कह सकते हो बच्चे। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ जीरो सर ये तो दो ही हैं पाँच, तो ये क्या है सिर्फ टू ही टू लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करोगे, शून्यों की संख्या की बात करोगे, तो बेटा हमारे पास आंसर कितना आ रहा होगा बच्चे, दो आ रहा होगा। अब बच्चे दिक्कत ये है कि अभी टेन तक भी आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा जैसे ही अगर मैं इस टेन को हंड्रेड कर दूँ ना, अब बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चे। कैसे, अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूँ डॉट 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 इंटू हंड्रेड, अब बेटे क्वेश्चन आसान नहीं है, अगर आप ऐसे करोगे तो होगा ही नहीं, आप ये समझ लो। अब सभी बच्चे देखिए, अब क्वेश्चन आसान नहीं है और आप ऐसे करोगे तो आपसे होगा ही नहीं बेटा। अब आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बताते रहिए, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए, तो बेटा सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहिए। अगर आपको सही में क्लियर हो रहा है तो लिख दिया करो ऑल क्लियर, सभी बच्चे ऑल क्लियर लिख के मुझे एक बार कन्फर्म कीजिए, आप सभी बच्चे मुझे एक बार ऑल क्लियर लिख के कन्फर्म कीजिए, क्या बेटा मेरी आवाज़
क्या सब बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है? सभी बच्चे एक बार ऑल क्लियर लिख के कंफर्म कीजिए। बताइए बेटा ध्रुव, सभी बच्चे एग्जाम क्रैक फोड़ू, सभी स्टूडेंट मुझे एक बार ऑल क्लियर लिख के कंफर्म कीजिए बेटा, क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है? लिखिए बेटा सभी स्टूडेंट्स। यस भगत जी बिल्कुल बेटा आ रही है। ठीक है अब बच्चे ध्यान से देखना, अब जो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का तरीका है बेटा, अब हम वो सीखेंगे। अब आ रहे हैं हम अपने जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है, जो अल्टीमेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अब बेटा हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है तो बच्चे ध्यान से देखो, ये एक से लेकर 100 तक का गुणा है, इसका एक्चुअल मतलब ये है बेटा 100 फैक्टोरियल, ये आपको वहाँ पे ऐसे भी दे सकता है। ठीक है 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और ये कहाँ तक बेटा 100 तक। ठीक है क्योंकि आपको पता है n फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 इस टाइप से मल्टीप्लाई करते चले जाओ कहाँ तक बेटा 1 तक। ठीक है तो आपका n फैक्टोरियल मतलब होता है, तो यहाँ से 100 फैक्टोरियल चाहिए तो क्या करो 100 × 99, तो ये कहाँ तक बेटा 1 तक आपका आएगा। अब आपको चाहिए इसमें नंबर ऑफ 5, तो बच्चे ध्यान से देखना आप कैसे लिखो, 5 की संख्या कितनी बार आई, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, देखना बच्चे सही बच्चे। अब ध्यान से देखना कि जितने भी फैक्टोरियल है आप उसको डिवाइड करो पहले 5 से, कितना देगा 20 बेटा। ये डिवाइड आप तब तक करोगे जब तक ये डिवाइड होगा, यानी कि आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन दे रहा होगा तब तक आप इसको डिवाइड करोगे, इट मीन्स बेटा फिर से इसको डिवाइड करोगे तो 20 / 5 = 4। अब अगर 4 को डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन 0 देगा, जैसे क्वेश्चन यानी कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे जो लिखी हुई संख्या है वो इससे छोटी हो जाए तो बेटा बस आपको वहीं तक डिवाइड करना है। इनके अगर नंबर ऑफ 5 की वैल्यू आपको चाहिए तो नंबर ऑफ 5 बेटा कितनी बार आएगा, आपको सर 24 बार आएगा, इनके नंबर ऑफ 5 कितने 24 हैं इसमें। ऐसे ही आप क्या करोगे नंबर ऑफ 2 निकालो इसमें। ठीक है तो आप देखो नंबर ऑफ 2 यानी कि 2 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या कितनी बार है, तो आप लिखोगे सर 100 / 2 सर कितना आएगा 50 आएगा। ठीक आप फिर से लिखोगे सर 50 / 2 भी लिखना पड़ेगा, ये 25 देगा, आप कहोगे सर 25 / 2 भी लिखना पड़ेगा, ये 12 देगा। ध्यान रखना कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। नमस्कार राहुल, और बेटा क्वेश्चन हमेशा क्या है होल उनके तरह पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पे फिर से लिखो बेटा 12 / 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 / 2 करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 / 2 करोगे तो 1 हो जाएगा। आप देखो ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या हो गया छोटा हो गया, अब 1/2 करने की जरूरत नहीं है, आप ये सब ऐड कर लो 50 25 75 75 12 87 87 और 6 आप देखोगे 87 + 6 = 93 + 3 = 96 + 1 = 97 यानी कि जो 2 की संख्या है वो कितने टाइम है बेटा 97 टाइम, यानी कि जो 2 है उसकी घात कितनी 97 आ रही होगी और 5 की घात कितनी 24 आ रही होगी। अगर आपको नंबर ऑफ 0 यानी कि क्या शून्यों की संख्या चाहिए तो बेटा शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर शून्यों की संख्या अब लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि सर अब शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24 हो जाएगी। बिल्कुल बेटा अब सभी बच्चे देख लीजिए, अब सबको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालने हैं तो आप क्या कर रहे हो, जो भी फैक्टोरियल बनना है उस फैक्टोरियल को पहले 5 से डिवाइड करके क्या नंबर ऑफ 5 फाइंड करोगे और फिर क्या 2 से डिवाइड करके उसको क्या करो नंबर ऑफ 2 फाइंड करोगे, यानी कि नंबर ऑफ 2 और नंबर 5 में जो भी संख्या आपकी छोटी होगी वही आपका बच्चे उत्तर होगा। तो देखो ये हमारे पास 100 फैक्टोरियल था तो मैंने 100 को पहले 5 से विभाजित किया, 5 से विभाजित करने पर 20 आया, 20 को फिर से करोगे क्योंकि ये फिर से आपका विभाजित हो जाएगा यानी कि इसमें फिर से भाग चला जाएगा, 20 / 5 किया तो 4 आया, यानी नंबर ऑफ 0 कितने हो गए 24 हो गए बच्चे। ठीक है ऐसे ही सेम इसके साथ हमने क्या है 2 की चाहिए तो नंबर ऑफ 2 कितने हो जाएंगे 100 / 2 करोगे तो 50 / 2 करोगे 25 / 2 करोगे 12। ठीक है और यहाँ पे देखोगे 12/2 करोगे 6 / 2 करोगे 3 / 2 करोगे 1, यानी कि यहाँ पर पास नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 2 चाहिए तो सब बेटा जोड़ दो, सब जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ 2 कितने आ जाएंगे 97, यानी कि नंबर ऑफ 2 आपको समझ में आ गया इस एक्सप्रेशन में कितने 97 है, नंबर ऑफ 5 कितने 24 है, यानी कि नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 24 होंगे बच्चे। क्या ये बात सबको समझ में आती है, क्या ये बात सबको समझ में आती है? अगर जेन्युइनली आप सबको समझ में आती है ये कहानी तो सभी बच्चे अब मुझे जो इससे आगे वाला आने वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का उत्तर मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे मैंने कर दिया 300, यानी कि ये क्या है बेटा हमारे पास 300 फैक्टोरियल, अब इसका उत्तर बताना है। बताइए सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए सभी स्टूडेंट्स, बताइए बेटा मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सभी लोग। 300 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा,
बताइए 300 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। सभी बच्चे वीडियो लाइक जरूर किया करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स वीडियो लाइक किया करो, सभी बच्चे वीडियो शेयर भी किया करो, और जो भी बच्चे नए हैं जो बेटा पहली बार देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे बेटा जो भी नया वीडियो बच्चे शेड्यूल हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों। ओके आई होप आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और ये चीज़ें बेटा आप एकदम जी बेटा जेन्युइन है, समझ रहे ना, इन चीज़ों को सीखने के बाद आपका अपने आप बेटा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारे पास हमारा आत्मविश्वास अपने आप बेटा बढ़ने लगता है। तो सभी बच्चे मुझे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे जल्दी से। बताइए बच्चे 300 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। स्टूडेंट्स यू ऑल जस्ट ऑल राइट डाउन आंसर इन कमेंट सेक्शन बेटा, आप सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जल्दी से बेटा। 300 फैक्टोरियल यानी कि जो आपके 300 फैक्टोरियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, बताइए बच्चों आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा, बताइए स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स मुझे 74 एग्जाम क्रैक फोडू का आंसर आया है 74। और बताइए बेटा एक बच्चे का आंसर मेरे पास आ चुका है एग्जाम क्रैक फोडू का, जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने उत्तर दिया है अपना 74 यानी कि 70 और 4। सर क्वेश्चन 4 का 74, ओके 74 आ रहा है, राहुल कह रहे हैं सर क्वेश्चन 4 का 74 आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, पहले नंबर ऑफ 5 की बात करते हैं कि 5 कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे 300/5 60 हो गया बच्चे, ठीक आप कहोगे सर ये डिवाइड तो फिर से हो जाएगा यानी 60/5 यानी कि कितना 12 हो जाएगा, आप कहोगे सर ये फिर से विभाजित हो जाएगा यानी कि 12/5, तो आप देखोगे कि 12/5 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो आप बच्चे ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ 2 फाइंड करने की ज़रूरत है क्या आपको, आपको पता है नंबर ऑफ 2 तो 100 में ही 97 थे यानी नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 2 का रिपीटेशन हमेशा क्या ऑल्टरनेट नंबर पे आपको 2 दे ही रहा है, ऑल्टरनेट नंबर पे 2 दे रहा है, लेकिन जो 5 का फॉर्मेशन है वो क्या आफ्टर 4 नंबर हो रहा है यानी कि 5 और जो आपके क्या 4 नंबर 4 संख्याओं के बाद 5 मिल रहा है, नंबर ऑफ 5 हमेशा कम होंगे इसमें नंबर ऑफ 2 से, इट मीन्स इसमें आप नंबर ऑफ 2 भी आपको फाइंड करने की नीड नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ 5 की बात करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास ये 74 यानी कि, और जो कि हमारा क्या एकदम सही उत्तर है बच्चों, यानी नंबर ऑफ जीरो बेटा कितने आ जाएंगे इसमें, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटे 74। क्या ये बात सबको समझ में आती है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, मेरा सही है सब बिल्कुल, राहुल आपका भी सही है और एग्जाम क्रैक फोड़ू का भी सही है बेटा, आप दोनों का बच्चे एकदम सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया, इसको बेटा थोड़ा सा चेंज कर दें, तो बच्चे अभी अब सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ओके अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, अब क्या करते हैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चे, ये देखो कितना मैंने 300 लिखा, इसका आंसर भी आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। अच्छा इसको एक बार और बेटा है ना, इसका भी मुझे आंसर बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्ट बेटा ये पूछ लिया यहाँ पे 1000 कर दिया, बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, 1×2×3×4×5 ठीक है 6, इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है बेटा कितना आएगा .. 1000, इस प्रश्न का उत्तर बताइए बेटा सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आएगा उसका आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर बताइए जल्दी से बेटा, और जिसका भी इसका आंसर आ जाए तो वो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर बताएगा ठीक है, उसको इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 2×5 (2×4×6×8×10×……500 उसको इसमें भी क्या बताने हैं, आशीष गुप्ता रीजनिंग क्यों नहीं लाई बेटा, रीजनिंग का सेशन कल है बच्चे, गुणनफल में शून्यों की संख्या, पीछे शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए सही बच्चे बताइए बेटा प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, सही बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख बताइए जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है बताइए स्टूडेंट्स,
यू ऑल राइट डाउन द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें जो आपके पास लिखा हुआ है आपको दिखना चाहिए कि सर ये तो डायरेक्टली 1000 फैक्टोरियल है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली 1000 फैक्टर है। इट मीन सर अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ 5 की वैल्यू निकालना है तभी हमारा काम हो जाएगा। क्या सभी बच्चों का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5 का? आप सभी बच्चों का आंसर आया बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे लिख के। क्या आप सभी बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया बेटा? देख लेना इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे आता है और वहाँ पे जब आएगा तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तब भी आसान है, थोड़ी सी और अभी चेंज करेंगे ना तो आपको फिर दिखेगा क्वेश्चन, दिखना थोड़ी देर में बंद होता जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं कि अब एक्चुअल में इसमें करना क्या है, समझ रहे हो ना? तो बेटा इसी के लिए आपको तैयार रहना है, चीज़ें सीखनी है, समझ रहे हो? बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बेटा? बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? बच्चे बहुत मज़ा आने वाला है, सो डोंट वरी, आप सारी चीज़ें बेटा सीखने वाले हो। तो बच्चे देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बेटा इसको कर रहे होगे सर हम 1000 को डिवाइड कर लें 5 से, ठीक है। जब आप ये करोगे तो आपको कितना देगा? 200 देगा। 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना देगा आपको? ये 80 देगा। 80 को 5 यानी कि 80 को 5 से विभाजित करोगे तो 16 देगा, और 16 को 5 से विभाजित करोगे तो बेटा 3 देगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ जीरो चाहिए आपको तो आप ऐड कर लो, ये कितना 240, देख लीजिए बच्चे ये कितना 280, और 280 प्लस 16 सॉरी ये 40 है ना, दिस इज 40, ओके दिस इज 40 बाय 5 यानी कि दिस इज 8 एंड दिस इज 8 बाय 5 इट मीन दिस इज 3, ओके। तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया 1 सॉरी, तो हमारे पास ये कितना आ गया बेटा? ये हमारे पास आ गया 249। तो हमारे पास शून्य भी कितने बेटा? 249 यानी कि 249 शून्य होंगे। अगर देखें हम सिर्फ नंबर ऑफ 5 की बात की, इसको डिवाइड किया 200, इसको डिवाइड किया 40, इसको डिवाइड किया 8, इसको डिवाइड किया 1, ठीक है। तो बेटा नंबर ऑफ हमारे पास 5 कितने आ गए? 249, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शून्य बन जाएंगे। अभी ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन ये है तो आप अगर अभी ध्यान से देखो तो अभी आप इसको फैक्टोरियल 500 नहीं लिख सकते बच्चे, अभी आप इसको फैक्टोरियल 500 नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, 2 × 1 × 2 × 2 × 3 × 2 × 4 × 2 × 5 … 250। यहाँ से देखो बेटा 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6… 250 बार। प्रश्न का उत्तर बताओ आशीष, बिल्कुल सभी बच्चे क्वेश्चंस का आंसर बताइए। देखिए बेटा ये कितना 250 बार आया। तो ध्यान से देखो बेटा इसमें अगर देखो तो 2 की घात 1, 1, 1, 1 कितनी बार? 250 बार ऐड होगी, है ना। आप देखोगे 1, 1, 1 कितनी बार आ जाएगा? 250, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पद है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने? 250 हैं, 250 हैं। तो आप कैसे बेटा कैसे लिख रहे होगे इस एक्सप्रेशन को? अब ज़रा ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कैसे, 2 की घात 250, तो आप बाहर लिख दो। इसके बाद अगर आप इसे ऐसे लिख लो 2 × 1 × 2 × 3 × 4 × …… 250, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अभी ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 2 की घात 250, और ये कितना बेटा? 250 का फैक्टोरियल, ये कितना है? 250 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जरा देखो कि ये तो आपको नंबर ऑफ 2 तो दिख रहे हैं, नंबर ऑफ 2 तो यहाँ दिख रहे हैं, इसमें क्या है आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ 0 जिससे बेटा मिलेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, 250 को 5 से डिवाइड करो। क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ 5, क्योंकि आपको दिख रहा है नंबर ऑफ 2 तो आपके पास ऑलरेडी बहुत है, ठीक है। नंबर ऑफ 2 फाइंड करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ 5, यानी कि आप क्या करोगे, 5 की संख्या आपके पास कितनी आएगी बेटा? 5 की संख्या आपके पास आएगी 250/5, यानी कि ये हमारे पास 50 देगा, ठीक है। 50/5 ये हमारे पास 10 देगा, और 10/5 ये हमारे पास 2 देगा, ठीक। बच्चे देख लीजिए 250/5 ये कितना देगा? 50 देगा। 50/5 कितना देगा? 10 देगा। 10/5 कितना देगा? 2 देगा। यानी कि नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 की बात करें तो बेटा वो कितना होगा? 62 होगा। कितने होंगे? 62 होंगे, यानी कि आपके देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 की बात करोगे तो वो भी कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 2 तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से अगर ध्यान से देखो, अगर आप देखो 2 से लेके 500 तक 2 × 4 × 6 × ये देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? हमारे पास नंबर ऑफ, देख लीजिए बच्चों, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 62। कितने आ जाएंगे बेटा? 62। क्या बच्चों, सभी बच्चों की कहानी समझ में आ रही बेटा? कोई ऐसा स्टूडेंट क्या? देखो करना कुछ है नहीं बेटा, जो 250 है उसको सिर्फ 5 से डिवाइड करना है, और उसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये 50 बार ये देगा, ओके। और ये देखोगे तो 50/5 तो 10 ये देगा, 10/5 यानी 2 ये देगा, यानी हमारे पास बेटा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे इसका? 62,
ओके okay, अब बच्चे देखो, अगर अब इसकी लैंग्वेज हम बदल दें यहाँ से, पहले इसका एक टाइप का और क्वेश्चन, पहले सेम एक इसी टाइप का क्वेश्चन और, क्योंकि ये तो हमको तब भी दिख जाता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें बच्चे तो फिर हमको ये दिखना थोड़ा बंद हो जाता है बच्चे, है ना। तो वो हमको क्या बंद होगा, कैसे होगा, उसकी थोड़ी सी बच्चे हम बात और कर लेते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बेटा और आपके लिए, उसके बाद हम इसका थोड़ा टाइप चेंज करके दूसरे टाइप का बेटा क्वेश्चन, वो टाइप भी आपसे पूछा जाता है, तो उसको भी हम ध्यान से सीखेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, और ये क्वेश्चन बच्चे हमको ऐसे दिया है, 7×14×21×28×……784। ओके, कि गुणनफल में कि गुणनफल में पीछे शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर फटाफट। मैं आप सब बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप सही बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। देखो बच्चे, क्वेश्चन हमको ऐसे एग्जाम में बिल्कुल लिखा हुआ मिल सकता है, इसको हमको एकदम तैयार रहना है बच्चे। ये क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम में मिलता है तो हमको एकदम तैयार रहना है, इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर हमारे लिए क्या आएगा बेटा। तो सभी बच्चे मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, सभी बच्चे जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, बताइए बेटा। एग्जाम क्रैक फोड़ू, आशीष, राहुल, सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से, 7×14×21×28×784, बताइए सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। अभी इसको थोड़ा सा चेंज भी करेंगे ना, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप देखोगे थोड़ा आपका आंसर चेंज हो जाएगा बेटा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बेटा, कितना इसका आंसर आएगा, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। अगर आप ध्यान से,
अभी बेटा मेरी वॉइस आ रही है क्या? अभी सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताए बेटा, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? सर इज नॉट ऑडिबल। भगत बेटा अभी वॉइस आ रही है क्या? राहुल अभी बेटा वॉइस आ रही है मेरी? सही बच्चे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या क्लियरली सभी स्टूडेंट्स को? ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी आ रही मेरी वॉइस है ना, अभी आ रही ना। तो बेटा देखो नंबर ऑफ थ्री जो तीन की संख्या है वो कितनी बार आएगी, तो वहाँ से देख लो बेटा वो कितनी बार आ रहा है। इस पूरे सवाल में नहीं आई, इस पूरे सवाल में मेरी वॉइस नहीं आई। शुरू से करवाओ, चलो कोई नहीं मैं करवाता हूँ, मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ, इट्स ओके। चलिए राहुल बेटा श्योर श्योर मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ बेटा, बिल्कुल अभी आ रही ना, आ गया ओके ध्रुव को आ गई, वेरी गुड। तो बेटा आप लोगों ने बताया लेट, आपको पहले बताना चाहिए था, वॉइस नहीं आ रही थी बेटा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से करवाता हूँ बेटा, सभी बच्चे देखना मैं फिर से करवाता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। अभी तो मेरी वॉइस क्लियर है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर कुछ भी ऐसा हुआ करो तो प्लीज़ बता दिया करो, अगर आपको लगे ना कहीं भी बेटा वॉइस वॉइस की दिक्कत है तो तुरंत बेटा बता दिया करो ना। सर हमें लगा हमारा फ़ोन में गड़बड़ है, अच्छा रहा कोई बात नहीं बेटा, चलिए नहीं आपके फ़ोन में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर वॉइस नहीं आ रही तो बता दोगे तो हो सकता है कि हो सकता है वो इस एंड पे या उस एंड पे किसी एक एंड पे तो गड़बड़ होगी ना, तभी नहीं आएगी। तो आपके फ़ोन में गड़बड़ होगी तो आप अपना फ़ोन ठीक कर लीजिएगा, अगर हमारे एंड पे गड़बड़ है तो बेटा उसको हम ठीक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो अगर ऐसा लगे कि कभी भी अगर आपको दिक्कत है, वीडियो में दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत आ रही है, तो बेटा आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लेके बता दिया करिए। सब मुझे लगा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, कोई बात नहीं ध्रुव बेटा, देखो अगर आपके फ़ोन में भी दिक्कत है तब भी तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपके एंड पे नहीं, अगर हमारे एंड पे कुछ गड़बड़ है तो हमें भी पता चल जाएगा बच्चों, है ना। क्योंकि आपको पता है फिलो फिलो में वो चलती रहती हैं चीज़ें, समझ रहे, हमें भी वो पता तभी चल पाता है ना जब आप बता देते हो, ठीक। तो वो है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, हाँ बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे जैसे ही आपको लगे ना कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है, आप तुरंत बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। तो यहाँ से देखिए बेटा मैंने क्या कहा था, ये देखो सबको आपको दिख रहा है, इसे अब जो है 12 गुणा 1 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 3 ये तो हम लिख ही सकते हैं, और ये कहाँ तक बेटा 12 गुणा 401 तक। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 12 कितनी बार आया, 401 बार आया, ठीक। यानी कि बेटा आप इसको लिखोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 401। ओके अभी तो बेटा मेरी आवाज़ वाज सब कुछ परफेक्ट है ना, अगर बेटा कोई भी कहीं भी दिक्कत हो ना तो प्लीज़ बता देना। तो देखो बच्चे, ठीक, तो देखो 12 की घात 401, यानी कि 12 401 बार तो मुझको यहीं दिख गया, ठीक है। अब बच्चे देखो, अब देखो अब क्या इसमें और चाहिए, नंबर ऑफ 12 यानी नंबर ऑफ 12 यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ 12 बेटा हमको इसमें और चाहिए बच्चे। तो देखो इसमें नंबर ऑफ 12 निकालने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ 12 निकालने के लिए क्या करें, तो देखो बच्चे इसे तीन तरीके से बच्चे सोच सकते हैं, वो तीन तरीके क्या क्या हो सकते हैं बच्चे सोच सकते हैं। सर जो 12 का फॉर्मेशन है, जो 12 बनेगा डायरेक्ट क्या है, पहले डायरेक्ट नंबर ऑफ 12 ही निकालो सर, 401 को 12 से विभाजित कर लो और उसको सॉल्व कर लो। तो मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूँ कि मैंने अभी तक नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए कभी भी 10 से विभाजित नहीं किया है, मैंने 5 और 2 निकाले, यानी कि मैंने ये देखा है कि 10 बन किससे रहा है। ऐसे ही हम इसमें नंबर ऑफ 12 निकालने के लिए ये देखेंगे कि 12 बन किससे रहा है, तो आप देखोगे सर 12 बन रहा है 4 से और 3 से, 4 गुणा 3। आप कहोगे सर इसे, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर ये 6 और 2 से भी तो बन रहा है, आप क्यों 4 और 3 कह रहे हो। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा 6 और 2 से बन रहा है बिल्कुल सही, लेकिन ये जो 6 है ना ये फिर से बेटा 3 और 2 से बन रहा है, इनकी फिर से ये दिक्कत करेगा। इट मीन्स अगर ध्यान से देखोगे तो जो 12 का फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि क्या है 3 और 2 से ही हो रहा है, लेकिन जो 2 लोगे वो हमेशा 2 की पावर 2 में लोगे, इसमें 3 गुणा 2 की घात 2, यानी कि बेटा वो इससे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या है नंबर 3 से क्या करोगे आप, इसको विभाजित करोगे 401 को, 3 से किसको करोगे बेटा 401 को विभाजित करोगे। तो आप इसको कैसे लिख रहे होगे, इसको बेटा आप ऐसे लिख रहे होगे 401 बट्टे 3, ठीक 401 बट्टे 3, तो आप इसे कैसे लिखोगे 133। ओके 103 बट्टे 3 आप इसे कैसे लिखोगे, 3 चौक 12 यानी कि 44, ठीक 44 बट्टे 3 यानी कि कितना बेटा 14 बट्टे 3 कितना बेटा 4, और 4 बट्टे 3 कितना 1। तो बच्चे देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 14 19,
ठीक है, 19 यानी कि आप 20 और 43 कर लो तो कितना 63 हो जाएगा। 63 में 133 ऐड करना है, तो 130 प्लस 60 करोगे तो कितना 190, 190 प्लस 336 यानी कि 196, यानी कि नंबर ऑफ तीन, नंबर ऑफ तीन कितने बेटा 196। ठीक है, तो देखो मैंने यही बेटा लिखा था, नंबर ऑफ थ्री कितने हैं 196। ठीक है, ये तो मेरे पास नंबर ऑफ थ्री आ गए। अब मुझको नंबर ऑफ फोर चाहिए बच्चे, अब मुझको क्या चाहिए नंबर ऑफ फोर, और इसको और स्पेसिफिक कर दें तो 2 की पावर 2 इसमें कितने बन रहे हैं, क्योंकि मुझको एक्चुअल में 2 की पावर 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, क्योंकि 4 का फॉर्मेशन भी 2 से ही तो होता है, 4 का फॉर्मेशन भी 2 से होता है। इट मीन्स आपको नंबर ऑफ 2 चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ 2 कितने होंगे। तो नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए, 2 की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब बेटा 401 को 2 से विभाजित करोगे बच्चे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 4 इसमें नंबर ऑफ 4 कितने आएंगे। ठीक है, तो देखो 401 को बेटा किससे 2 से विभाजित करोगे आप, तो कितना आ जाएगा ये 200 को 2 से विभाजित करो तो बेटा कितना 100 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 50 को 2 से विभाजित करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 25 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 12 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 6 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 और 3 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी कि अगर नंबर ऑफ दो कितने होंगे, तो देखोगे यहाँ पे 200 200 300 300 350 375। ठीक, तो आप देख रहे होगे कि देख लेना बेटा ये 196 है। ठीक है, ये 375 और 12 387 और 6, देखो 375 और 12 कितना 387 और 6 कितना हुआ 397। यानी कि नंबर ऑफ दो कितने हो गए बेटा 397। बच्चे ध्यान से देखते रहना, नंबर ऑफ टू कितने हो रहे हैं 397 और नंबर ऑफ थ्री कितने 196, मतलब कितना 196। देखते रहना बच्चों। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना कि मेरे पास नंबर ऑफ टू भी आ गए और नंबर ऑफ टू भी आ गए और नंबर ऑफ थ्री भी आ गए बच्चे। ठीक है, तो देखो ये थ्री की मैक्सिमम पावर कितनी है 196, मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 की पावर 196। अब देखो 2 की पावर 2 चाहिए आपको, 2 की पावर 2 यानी कि इसको क्या है, अगर देखो इसको 2 की पावर 2 में लिखोगे तो बेटा इसको कैसे लिख रहे होगे, अभी ये लिखा हुआ है मेरे पास 2 की घात 397। सही बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं इसे 2 की घात क्या कह रहे बेटा भगत, अच्छा आप आंसर बता रहे हो, ओके आंसर इज 590 अभी बेटा बिल्कुल। तो देखो 2 की घात 397, तो आप इसे कह 2 की घात 2 से बेटा इसको ऐड करो तो कितना 1 और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 8, यानी कि 198। अब बच्चे ध्यान से देखना 198 196, इसीलिए बेटा मुझे दोनों ज्ञात करने पड़ गए, इसीलिए मुझे नंबर ऑफ 4 और नंबर 3 ये दोनों बेटा ज्ञात करने पड़ गए कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है। अब आपको समझ में आया सर इसमें 196 छोटी है, तो बेटा आप क्या करोगे डायरेक्ट 401 में 196 ऐड कर दोगे बच्चे। अगर ये हमारे पास छोटी होती ना तो हम डायरेक्ट 401 में ये ऐड करते, लेकिन अभी हमको दिख रहा है 2 की घात 2 तो 198 है, इनकी 196 से बड़ा नंबर है, इनकी इसमें बेटा आप क्या जोड़ रहे होगे 196, इट मीन जो सही उत्तर आएगा वो 401 प्लस 196 यानी कि जो n की बेटा वैल्यू आएगी, अब मैं उसको इधर लिख देता हूँ, जो n की वैल्यू आएगी वो बेटा कितनी आएगी 401 प्लस 196 और बेटा अगर इसको आप ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 597 और यही हमारे पास क्या आएगा इसका उत्तर, यानी कि n का जो अधिकतम मान है वो कितना है 597। बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो इस तरह से अगर आपको ये चीज़ सैनुअली समझ में आ रही ना तो सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ऑल क्लियर, क्योंकि बेटा ये अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और अल्टीमेट क्वेश्चन बच्चे बन जाता है, और वहाँ पे जिसको नहीं आता वो उसे सॉल्व नहीं कर सकता है गारंटीड, जिसको नहीं आता ना वो इसका सही आंसर नहीं बता सकता कभी भी, क्योंकि उसको वो समझ में नहीं आएगा कि नंबर ऑफ टू नंबर ऑफ एट समझो वो दिक्कत करेगा आपको, वो आप ना आप उसका फॉर्मेशन फाइंड नहीं कर पाओगे बच्चे। तो ये बात सबको समझ में आई, इसमें बेटा कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को देख लीजिए, ट्रेलिंग जीरो यानी कि क्या पीछे शून्यों की संख्या में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए क्वेश्चन एक्चुअल में आसान है, अच्छा सवाल था गुरु जी, बिल्कुल बेटा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, अल्टीमेट है बेटा, क्योंकि बेटा ये आपको परेशान करेगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना बेटा, जब परेशान करेगा तो आप उसे कैसे ब्रेक करोगे वो बेटा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, क्वेश्चन हो सकता है वो छोटा दे और आप उसे बहुत जल्दी कर लो, ठीक है, लेकिन बेटा अगर इतना बड़ा भी देता है ना तो आप उसे तब भी कर सकते हो और विद इन टाइम कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है बेटा आपको बहुत टाइम नहीं इसके लिए देना, समझ रहे हो, क्योंकि बेटा इतनी कहानी मैंने जरूर की है, आपको बेटा उतनी की नीड नहीं होगी।
क्या ये बात सबको समझ में आई? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और जनरली अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऑल क्लियर। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऑल क्लियर। बताइए बेटा सभी बच्चे मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन तक जो मैंने अभी कराया, अगर इस क्वेश्चन तक आपको सारी कहानी समझ में आई है तो सभी बच्चे मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऑल क्लियर बेटा। ओके लिखिए बेटा। अब देखो वहाँ पे जो मैंने एन लिखा है उसकी जगह वो टू एन भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो बेटा अगर ऐसे चेंज करता है तो प्लीज़ आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक, इतनी कहानी में कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर इतनी कहानी में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बेटा बता दीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अच्छा बच्चे अब जब वो जरूरी नहीं कि वो इस तरह से एक्सप्रेशन ही लिखे, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, वो जरूरी नहीं है इस तरह से एक्सप्रेशन ही लिखे। वेरी गुड बेटा राहुल, जरूरी नहीं है इस तरह से एक्सप्रेशन लिखे, वो बेटा ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 32 गुणा 40 फैक्टोरियल ओके डिवाइड बाई 6 की घात n। यदि इसका शेषफल शून्य है तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यदि इसका शेषफल शून्य है तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चे सभी बच्चे मुझे इसका आंसर। ये आसान क्वेश्चन है बच्चे अभी वाले से बेटा, ये आसान क्वेश्चन है। अब देख लो बच्चे ध्यान से, अभी वाला क्वेश्चन था वो भी यही था और ये भी यही है बच्चे, ये लेकिन उससे आसान है क्योंकि वहाँ पे 12 में क्या आपको टू नंबर ऑफ टू बेटा कंप्लीट फाइंड करने पड़ गए थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपको नंबर ऑफ टू भी कंप्लीट फाइंड करने की नीड नहीं है। आप ध्यान से देख लो बेटा, ये कितना 32 है, ये कितना 40 है, 6 की घात n से डिवाइड करना है तो आपको क्या n की मैक्सिमम घात चाहिए जिसके लिए इसका शेषफल क्या रहे, शून्य रहे, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए। बच्चे प्लीज इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए बेटा। देखो 32 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 raised to power n, ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑन n फॉर विच द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 0। क्लियर, रिमाइंडर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का 0 होगा बेटा। आपको ये फाइंड करना है ऐसे n की मैक्सिमम वैल्यू, इनकी n का अधिकतम मान ज्ञात करना है आशीष। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अब मुझे। देख लो क्वेश्चन वही है बच्चे, देख लो ये ट्रेलिंग जीरो से क्वेश्चन घूम के कहाँ तक पहुँच गया। अब इस तरह से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे ना, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेलिंग जीरो सिर्फ ट्रेलिंग जीरो तक ही सीमित रह गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की कहानी है। नहीं बेटा, वो वहाँ से किसी भी नंबर पे पहुँच सकता है और आपसे वो फाइंड करवा सकता है। सो बी रेडी फॉर इट कि मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे मिले तब भी आप उसका मुझे आंसर बता दो। तो बताइए बच्चे बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। आपको नंबर ऑफ 6 चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो 6 का फॉर्मेशन है वो 2 और 3 से होगा। बस इतना बेटा आपको कहानी, इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 3 चाहिए और वो भी इन दोनों में चाहिए बच्चे, इन दोनों में चाहिए। तो पहले यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ 3 कितने हैं, यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ 3 कितने हैं, यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ 2 कितने हैं, यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ 2 कितने हैं, और जो दोनों में कम हो वही आंसर उसमें टिक करो और आगे चले जाओ। ये बात समझ में आ रही है ना? तो देखो बच्चे अगर नंबर ऑफ 3 यहाँ पे मुझे निकालने हैं, इसमें 32 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3 फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, 3 से 32 को विभाजित करोगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यस राहुल का आंसर तो आ गया, वेरी गुड राहुल, ठीक है, 10 से 3 को तो कितना आ गया, 3 आ गया, और फिर से करोगे 3 को 3 से विभाजित करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 3 यहाँ पे कितने आ जाएंगे बेटा, 14 आ जाएंगे। नंबर ऑफ 3 मुझे यहाँ पे चाहिए तो क्या करोगे, 40 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा, 13 13 बट्टे 3, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 13 ही है, ठीक है, 13 बट्टे 3 बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 4, और 4 बट्टे 3 कितना आ जाएगा, 1, 13 4 17 और 1 18, यानी कि नंबर ऑफ 3 यहाँ पे कितने बेटा, 18। अब बच्चे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ 2 तो इससे ज़्यादा होनी है क्योंकि आपको पता है 2 का रिपीटेशन तो ईच डेट के बाद है, लेकिन 3 का रिपीटेशन 2 डेट के बाद है, यानी कि नंबर ऑफ 3 ही क्या है इनकी वैल्यू होनी चाहिए, नंबर ऑफ 3 ही क्या है इनकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे इसमें, ये आपको दिखना चाहिए बेटा वहाँ पे एग्जाम में, अब दिखना चाहिए। तो अगर आपको n की वैल्यू चाहिए तो n का मान एक्चुअल में कितना होगा, तो आप करोगे 14 प्लस 18, इनके आंसर कितना आ जाएगा, 32। वेरी गुड आशीष,
राहुल आपका आंसर बेटा एकदम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आया। अब अगर इस क्वेश्चन में वो कुछ भी चेंज कर रहा होगा तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे उसको सॉल्व करने के कगार पे हो, सभी बच्चे उसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चे। अब वहाँ पे वो कुछ भी चेंज कर दे, अगर इस एन को 2n कर दे, पूछ लिया अब एन का अधिकतम मान क्या है, तो कोई बात नहीं 2n की वैल्यू 32 कर दो, एन की वैल्यू 16 आ जाएगी, बस खत्म। समझ में आ रही कहानी, ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बताइए बच्चों, श्योर? तो बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा तो सभी का लोग कर लोगे। सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ऑल क्लियर? सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर सब एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, नो डाउट, ओके? उड़ा देंगे, क्या बात है राहुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए चलिए बेटा, अब हम देखेंगे अपने आज के क्वेश्चंस, ठीक है? तो बेटा आज के क्वेश्चंस देखिए, ठीक है? देखिए बेटा आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे मुझे उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, है ना? तो बेटा देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा सवाल सही था आशीष आपका, हाँ आपका उत्तर सही था, मैंने सही आंसर किया था, बिल्कुल आशीष आपने एकदम सही आंसर किया था, मुझे बहुत खुशी है कि जेन्युइनली आपको वो चीज़ समझ में आई बेटा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी बच्चे बताइए, 10 × 20 × 30 × 40 × …… को सरल करने पर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? नहीं बेटा राहुल आपका सही था नहीं बेटा आपने आंसर दिया और आपका आंसर बेटा सही था, बिल्कुल राहुल, राहुल कुमार आपका आंसर बेटा एकदम सही था। बच्चे बताइए राहुल इसका आंसर भी बेटा बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दीजिए सभी बच्चे मुझे, 10 × 20 × 30 × 40 × …… 200 इसमें सरल करने पर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी आपको ज्ञात करनी है, तो क्या सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे? बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए अब क्वेश्चन आसान है, करिश्मा का आंसर आ गया ऑप्शन बी, करिश्मा इज सेइंग 24, राहुल का आंसर बी बी, वेरी गुड, क्या ही बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसे देखो अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो देखोगे 10 × 1 × 10 × 2 × …… 10 × 20, ठीक है? तो देखो 10 की घात 20 तो आपके पास आ ही गया, ठीक? अब ये कितना रह गया, ये रह गया 1 × 2 × 3 × …… 20, ठीक? तो बच्चे ध्यान से देखो, ये तो आपके पास 24 शून्य तो आपको दी, हम बोला आशीष तुमने सही बताया, नहीं राहुल आपने सही बताया, राहुल का आंसर सही था बेटा, ठीक है? तो देखो नंबर ऑफ 5 इसमें निकाल लीजिए बच्चे, है ना? तो देखो नंबर ऑफ 5 यानी कि नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या आप इस एक्सप्रेशन ज्ञात कीजिए, तो आपको देखिएगा 20/5 कितना आएगा 4, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितने होंगे 4 होंगे, तो 24 के साथ ये कितना बेटा आपके 20 है ना, या ये 20 है, तो 20 के साथ 4 और जोड़ दिए, 20 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 24 उत्तर आ जाएगा बच्चे, और 24 करिश्मा का एकदम सही उत्तर है और राहुल का भी एकदम सही उत्तर है बच्चे, तो जो सही आंसर है वो कितना है 24 है, जो कि करिश्मा और राहुल ने एकदम सही बताया, ठीक बच्चे? देख लीजिए क्योंकि आपको नंबर ऑफ 2 निकालने की नीड नहीं ना, नंबर ऑफ 2 तो फाइंड करने की नीड नहीं है, आपको दिख रहा है नंबर ऑफ 2 तो सब वैसे ही बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? इतनी कहानी सभी बच्चों को समझ में आ रही है, श्योर? चलिए देखिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही बच्चे, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बेटा। देखिए बेटा जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, अगर ये 3 की घात n से विभाजित है, ओके, राहुल का आंसर आ गया कौन इसका, सेकंड का डी, वेरी गुड, चलिए राहुल का आंसर आ गया 84, राहुल कह रहे हैं करिश्मा का आंसर सी यानी कि 76, अभी दो बच्चों के दो आंसर आ रहे हैं, करिश्मा का आंसर भी आ गया, राहुल का आंसर भी आ गया, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर करिश्मा का 76 है और राहुल का 84 है, ठीक है? तो जरा देख लेते हैं बेटा, तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वो 3 की घात मैक्सिमम कितने तक है, मैं डायरेक्ट दिख रहा हूँ, ठीक है? आप भी एग्जाम में वैसे ही लिखोगे तो देखो 3 तो 57 तो सबको दिखना चाहिए, 57 तो सबको दिखना चाहिए बच्चे, ठीक है? देखो 3 × 3 = 57 और वहाँ पे कितना 3 × 7 = 21, यस, तो 57 सबको दिखना चाहिए और सबको फिर ये भी दिखना चाहिए 1 × 3 × 2 × 3 और ये कितना बेटा 57। अब आपको नंबर ऑफ
अरे नहीं डी होगा, अच्छा करिश्मा का भी डी होगा, चलिए कोई नहीं। अब नंबर ऑफ थ्री बेटा यहाँ तक चाहिए 57 तक, तो अब क्या कर रहे होगे, 57 डिवाइड बाई 3 19, ओके 6 डिवाइड बाई 3 कितना बेटा 2, तो 19 या 25 और 2 27, यानी कि इसमें 27 और ऐड कर दो, देख लीजिए। अच्छा भगत का भी डी है, वेरी गुड। तो देख लो बच्चे, अगर अगर आपको लगे कोई भी डाउट है कैसा भी, तो देख लो बच्चे आपको करना कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ से 1 × 2 × 3 है, कहाँ तक जा रहा है बेटा, 57 तक जा रहा है बच्चे, ओके। क्योंकि आपने बच्चे को 3 × 57 लिखा होगा, तो 3 की पावर 57 तो बच्चे बाहर आ ही गया, 3 की पावर 57 बाहर आ गया। और आपने क्या लिखना है बेटा, 1 × 2, अरे कितना 57, 57 को 3 डिवाइड किया 19, 19 को 3 डिवाइड किया 6, 6 को 3 डिवाइड किया 2, तो देखोगे ये कितना 27, यानी 27 प्लस 57 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा बच्चे, और वो हमारे पास कितना आएगा 4, यानी कि 84, यानी कि 84 एकदम सही उत्तर है। राहुल का आंसर एकदम सही है, करिश्मा का आंसर भी एकदम सही है, और भगत का भी आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। आप तीनों बच्चों का बच्चे आंसर एकदम सही उत्तर है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर सही बच्चे मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बेटा बच्चे, बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। और बेटा इसका क्वेश्चन वहाँ जब मिलता है ना, तो वो दिखता नहीं, प्रॉब्लम दिस कि आपको वो क्वेश्चन दिखता नहीं, समझ रहे हो। कभी भी अगर क्वेश्चन का हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए, दिख जाए, तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी बच्चे, लेकिन जब तक नहीं दिखेगा तब तक बेटा दिक्कत होगी। बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, 6 × 12 × 18 × 24 … 276, अगर 6 की घात n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान बताइए क्या होगा। बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है वहाँ देखने के लिए, तो बेटा इसके लिए तैयार रहिए, और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे सही आंसर बताइए। हम आ गए, अब बताइए आशीष इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही बच्चे मुझे। राहुल का आंसर आ गया 67, क्या बात है राहुल, 67 ठीक है, और ये कितना बेटा आपके पास 276। अब देखो ये भगत का आंसर भी आ गया 67, वेरी गुड। देखो अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है ठीक है, देखो ये और जिससे पिछले वाला क्वेश्चन लगभग सेम है, अगर आपको दिख जाए तो ये क्वेश्चन बेटा सेकंड्स में हो जाएगा बच्चे। आशीष का आंसर आया 67, भगत का आंसर 76, राहुल का आंसर 67 ठीक है। तो बच्चे देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे हम, 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3 गुणा डॉट 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 6 × ये कितना आ जाएगा 6 × 4 and 6 × 6 या 36, देखो 6 × 6 = 24, 6 × 36 ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 की घात 46 तो बाहर ले लो, और हमारे पास कितना रह गया 1 × 2 × 3 × ……… 46 ठीक है, उड़ा देंगे हमसे जल्दी बता के देखे कोई, क्या बात है करिश्मा, क्या बात है, वेरी गुड। देखो 46 है, अब इसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ 2 और नंबर 3, नंबर ऑफ 2 और नंबर 3, तो क्या करोगे 46/3 ठीक है, तो बेटा कितना आ जाएगा 15 / 3 तो कितना आ जाएगा 5, और 5/3 तो कितना आ जाएगा बच्चे 1, यानी 15 × 5 = 20 और 1 = 21 इसमें और ऐड जोड़ दो बेटा, तो देखोगे 46 और 21 आप दोनों ऐड कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा ये 67, सही उत्तर कितना है बेटा 67। भगत बेटा देख लीजिए आपने 76 क्यों बताया था, सही आंसर बेटा उसका 67। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सही बच्चे आंसर बताइए। आशीष बताइए बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए सही बच्चे मुझे। बताइए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन को ध्रुव बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी बच्चे बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए क्वेश्चन, आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सभी बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे मुझे इसका एकदम सही आंसर बताएं। बताइए देखो ये एक्चुअल में नंबर ऑफ जीरोज की तो बात है, अगर ध्यान से देखो तो ये नंबर ऑफ जीरोज की ही बात है, और करिश्मा का आंसर आ गया ऑप्शन बी, क्या बात है करिश्मा, करिश्मा का आंसर आ गया है ऑप्शन बी, ओके। आशीष का आंसर भी आ गया है 18, कोई बुरी बात थोड़ी नहीं बेटा, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है बच्चे। इसमें 2 से देखो क्योंकि 5 ज़्यादा होंगे, 2 से देखो क्योंकि 5 बहुत ज़्यादा होंगे, एकदम सही बात है बेटा, क्योंकि 5 ज़्यादा होंगे तो 2 से देख लीजिए, वेरी गुड ध्रुव एकदम सही, राहुल आशीष ध्रुव करिश्मा आपका आंसर बच्चे सबका एकदम सही उत्तर है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो ध्यान से देखो आपको करना क्या है, वो देखो 5 यानी कि 20 × 5 यानी 5 की घात 20 तो आपने बाहर लिख ही लिया,
उसके अलावा जो रह गया है वो कहानी बच्ची यहाँ पे लिख लो, 1 × 2 × 3 × ……20। यस राहुल, बिल्कुल बेटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20/2 कितना बेटा, 10। 10/2 कितना बेटा, 5। 5/2 कितना बेटा, 2। और 2/2 कितना, 1। आपको सिर्फ बेटा क्या ऐड करना है, ये ऐड कर लो, ये क्या देंगे आपको, नंबर ऑफ टू, यानी कि क्या है नंबर ऑफ टू, यानी नंबर ऑफ दो की संख्या कितनी है, तो 10, 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बेटा, 18 हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक, श्योर। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट। अब इसमें कुछ यूनिट डेट के क्वेश्चन भी है, क्योंकि बेटा मैंने यूनिट डेट का टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था, ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो नहीं मैंने कराए थे वो क्वेश्चंस भी इसमें हैं, ठीक है, तो सही बच्चे यूनिट डेट के क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, यानी कि जो इकाई के अंक के क्वेश्चंस हैं वो भी बेटा इसमें है, ठीक है। हाँ तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही बच्चे। बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए बेटा। 1 × 2 × 3 × 4 × 10,000 के इकाई का अंक बताइए क्या होगा। मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर जल्दी से लिख के कमेंट सेक्शन बता देंगे। बताइए बेटा इसके इकाई का अंक बताना है आपको। करिश्मा का आंसर आ गया, आशीष का आंसर 1 आ गया, ऑप्शन बी करिश्मा का आंसर सी यानी कि 3 आ गया। बताइए सही बच्चे इसका आंसर, कितने बच्चों का आंसर क्या क्या आ रहा है सभी बच्चे बताइए बेटा। देख लीजिए बच्चे, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, सो बी रेडी फॉर इट। 5 × 2 के बाद सबका आंसर 0 होगा, क्या बात है। ध्रुव का आंसर भी 1 है और 4 तक 3 होगा, क्या बात है राहुल, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। सम कर लो 3 आएगा, वेरी गुड। भगत का 0, मुझे पता था, मैं वही तो सोच रहा था जैसे किसी का 0 क्यों नहीं आया अभी तक आंसर। अरे कुछ बच्चे तो होंगे जिनका 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी मतलब 70-80-90% स्टूडेंट होते हैं वो देखते ही कहते हैं कि सर इसका आंसर 0, क्योंकि 1000 फैक्टोरियल है सर, तो इसमें कितने 0 आ रहे होंगे, तो वो ये नहीं सोच पाते कि इसमें जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं। भाई गुणा कर रहे होते तो नो डाउट आपका आंसर सही था, लेकिन यहाँ पे गुणा थोड़ी नहीं, यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं, और 0 में अगर 1 जोड़ोगे तो वो 1 हो जाएगा ना कि 0, समझ रहे ना, डिफरेंस है बच्चे। ओके तो बच्चे देखो यहाँ से ये जोड़ रहे हैं, तो मतलब कभी भी आपको कहानी पता है, कभी भी आपको कहानी पता है, कभी भी अगर आपको इकाई का अंक चाहिए तो जो दी हुई संख्या है उसको 10 से विभाजित कर दो, 10 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल होगा वो हमेशा इकाई का अंक देखा जाएगा आपको, ठीक है। तो बच्चे देखो ये है तो इकाई का अंक, अब इसीलिए तो ये आपको क्वेश्चन बेटा बताया गया, क्योंकि ये लिखो लिखा तो आपको इकाई का अंक ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना है, 10 से विभाजित करके बेटा इसका इकाई का अंक निकालना है। तो इस केस में आप क्या कर रहे होगे बच्चे, 10 से विभाजित करके क्या निकालोगे उसका शेषफल, क्योंकि आपको पता अगर मैं लिखा 223, 223 को 10 से विभाजित करोगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा बच्चे, क्योंकि शेषफल भी कितना देगा, 3 देगा, ठीक है। तो जो आपके पास ये नंबर्स हैं, जो ये संख्या है, तो 1 आना चाहिए ना फिर, तो क्या ही बात है, वेरी गुड ध्रुव। देखो बेटा ध्रुव देखिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 1000 × ओके ये देख लो क्वेश्चन पे तो नहीं लिखा ना, क्योंकि वो थोड़ा आगे तक लिखा हुआ है ना, हाँ ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पे लिखा हो, तो बेटा आप इसे यहाँ लिख लेना +1000 × ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बेटा, 1 × तो इसकी वैल्यू 1 होती है सर, 2 × 2 × 1 होती है, ठीक है। 3 × कितनी होती है, 3 × 2 × 1 यानी 6 हो गया। 4 × कितनी होती है, 24। और 5 × की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 120, ठीक है। ।… जो चल रहा है वो चलने दो, देखो बेटा ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, अगर आप इसको 10 से विभाजित करो, अगर आप इसको किससे 10 से विभाजित करो, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर 10 से आप इसको विभाजित करो 1 को, तो ये शेषफल कितना देगा आपका, होगा सर 1। इसको विभाजित करोगे 2 को, ये शेषफल कितना देगा +2। 6 को करोगे तो कितना देगा +6। 24 को करोगे तो कितना देगा +4। इसको करोगे तो कितना देगा 0 देगा, यानी कि अब ये सारे टर्म यहाँ से आगे आने वाले जितने भी टर्म हो वो सारे शेषफल 0 देंगे, क्योंकि आपको पता है 6 की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको होगी सर 6 × 5
छः गुणा पाँच फैक्टोरियल, क्योंकि जब ये आपको शेषफल जीरो दे रहा है तो बेटा ये भी आपको शेषफल क्या देगा बच्चे, जीरो ही देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट ही तो देखो, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन, यानी कि अगर आप तेरह तेरह आ गए आपके पास, तेरह को दस से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना देगा बेटा, तीन देगा, जो कि हमारे पास एकदम सही उत्तर होगा। यानी कि जिसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, थ्री आएगा। इट मीन्स इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, थ्री आएगा, यानी कि करिश्मा का आंसर एकदम सही था। ठीक है, करिश्मा और राहुल दो बच्चों के आंसर एकदम सही थे बेटा। बाकी के सही बच्चे देख लीजिए कि आपको 10 से विभाजित करना है तो फैक्टोरियल एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, पाँच से बेटा वो जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक से चार तक अगर सब निकालोगे तो 13 आएगा बेटा। कैसे 13 दस है जो उसका रिमाइंडर, मेरा नाम एंड में लेते हो, अरे राहुल का नाम पहले। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे मुझे फटाफट दो से तीन सेकंड में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दीजिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए जल्दी से बेटा। संख्या 213 की घात 273 गुणा 117 की घात 767 की इकाई का अंक बताइए क्या होगा। यानी कि 213 यानी 213 की पावर 273 इंटू 117 की पावर 767। करिश्मा का आंसर आ गया, राहुल का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है। आप दोनों के आंसर एकदम करेक्ट है बच्चे, बिकॉज आपको दिख रहा है 213 करिश्मा और राहुल के आंसर कितने बेटा, एकदम सही आंसर बेटा 273 इंटू 117, इसकी घात कितनी बेटा 767। चलिए तो देखो यहाँ से इससे ये इन दोनों की तो कोई नीड ही नहीं ना, हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन कितना है, 3 की घात 73 गुणा 7 की घात 67। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करो 73 को, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। इट मीन्स इसके जो यूनिट डेट आएगी वो कितनी आएगी, 3, यानी कि इकाई का किसका कितना आएगा बेटा, तो देखो कि यहाँ पे 3, यानी कि ये भी कितना देगा 3 इंटू 3 करोगे तो बच्चे कितना देगा ये 9। इट मीन्स जो सही आंसर है वो है 9, एकदम करेक्ट है बेटा। आप करिश्मा और राहुल आप दोनों का बेटा आंसर एकदम करेक्ट है। ध्रुव बेटा देख लीजिए क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है, कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको ऊपर से जा रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। देखिए नेक्स्ट, भगत एकदम सही आंसर है बेटा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइए सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए बेटा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए बेटा। मैं आप सभी से चाहता हूँ आप सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। बताइए इसका आंसर भी आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत जल्दी, हार्डली 2 to 3 सेकंड मैक्सिमम बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तीन ही एक्सप्रेशन है। एक विदाउट राइटिंग अ सिंगल वर्ड, आप एक सिंगल वर्ड नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताओगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताओगे। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप इसका आंसर क्या टिक करोगे बेटा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ सिर्फ 2 सेकंड चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। करिश्मा का आंसर आ गया ऑप्शन बी, करिश्मा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, क्या बात है, देख लो, वेरी गुड करिश्मा, देख लो, विदाउट राइटिंग अ सिंगल थिंग। आप राहुल का आंसर आ गया, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड बेटा, देख लीजिए एक सिंगल वर्ड लिखे बिना आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक, तो आपको दिख रहा है 2 की घात 94। सर आपने यूनिट डेट अच्छा पढ़ाया है, क्या बात है ध्रुव, थैंक यू बेटा। बेटा जो भी पढ़ाया जाएगा ना परफेक्ट ही बेटा पढ़ाया जाएगा हमेशा। 2 की घात 94, सर हम गलत बता रहे हैं आज, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो बेटा, आपको तो इसका अवार्ड मिलना चाहिए है ना। 3 की घात 46, हाँ बिल्कुल बेटा, देखो 2 की घात 94, तो देखो इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बेटा, 2 शेषफल देगा, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा, इसके इकाई का अंक कितना आएगा बेटा 3 आएगा, और इसके इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा, 9 30 27, यानी 7 7 6 28, यानी कितना बेटा 8, आंसर कितना आ गया 8 आ गया खत्म। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए बेटा। प्रश्न संख्या 8, सर 2 सेकंड तो लगते ही नहीं, वैसे 20 सेकंड लगते नहीं बेटा ध्रुव, 2 ही सेकंड लगेंगे बेटा उसको, 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा बेटा, देखते ही आंसर बताना है आपको, करना नहीं समझो, 2 सेकंड वाला नहीं चलेगा आपका। ध्रुव देखो 2 की घात आपको वहाँ दिखना चाहिए था, 2 की घात 2 मतलब कितना 4, ठीक मतलब दिखना चाहिए, वो कहानी दिखेगी तो 2 3 सेकंड में हो जाएगा, उसे टाइम लगता। हाँ बिल्कुल, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी तो है, मैंने तो सॉल्व करने का टाइम बताया आपको। बेटा अगर 20 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, बड़ी बात है। अगर जनरली आप अगर
क्वेश्चंस को 20 सेकंड में, 20 सेकंड के टाइम में सॉल्व कर रहे हो ना मैथ्स के क्वेश्चन को, तो बेटा वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बच्चे। एट का बी यानी कि ऑप्शन बी, क्या बात है राहुल, वेरी गुड बेटा। करिश्मा का भी 4 आ गया, राहुल का भी आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। देखो इस तरह से होना चाहिए, आपको क्वेश्चन दिखे आंसर टिक करो, क्वेश्चन दिखे आंसर टिक करो। देखो वेरी गुड, देखो करिश्मा और राहुल ने कितनी जल्दी, दोनों बच्चों ने कितनी जल्दी आंसर दिया, ऐसा होना चाहिए आपको, समझ रहे हो। क्वेश्चन दिखे और आंसर कर दो, वेरी गुड भगत। बेटा 6 तो नहीं आएगा, 8 आएगा। देखो 3 की घात 97 है ना, 97 नहीं 96 कंप्लीट जाएगा, इट मीन 3 की घात 1 रहेगी, मतलब उसका तो एकाएक अंक 3 हो गया, ठीक है। 7 की घात 26, 7 की घात 26 यानी कि कितना, आप देखोगे वो विभाजित करोगे तो कितना 2 शेषफल देगा, यानी 7 7 49 यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो बेटा इसमें से इसको तो माइनस नहीं करोगे, आशीष ठीक। तो बेटा देखो इससे पहले भी नंबर है, इससे पहले भी नंबर है, इससे एक बोरो लो तो कितना 13 13 माइनस 9 करोगे तो 4, यानी कि आपके पास 4 इसका एकदम सही उत्तर है, इट मीन्स ऑप्शन बी। करिश्मा आपका एकदम सही है बच्चे, राहुल आपका भी एकदम सही है बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, ठीक है बेटा। भगत आप देख लेना जो सही आंसर आएगा वो 4 आएगा ना कि 6, ठीक है, क्योंकि बेटा 3 माइनस 9 करने पे ना -6 थोड़ी ना आप उसका आंसर दोगे, क्योंकि बेटा वो आप देखोगे तो एक्सप्रेशन तो बहुत बड़ा होगा। ओके पता है इस क्वेश्चन का आंसर सही बचे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही बचे। बताइए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, 1 रेज टू पावर 9 प्लस 2 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर 9। बताइए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, राहुल का आंसर आ गया 0, वेरी गुड राहुल, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन दिखा और आंसर आ गया राहुल का, समझ रहे, ऐसा ही होना चाहिए बच्चे, क्वेश्चन दिखे और आंसर आ जाए आप बच्चों का। करिश्मा का भी आंसर आ गया ऑप्शन ए, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एकदम सही आंसर है बेटा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 1 से 20 है, भगत का आंसर आया 3, नहीं बेटा 3 तो नहीं आएगा भगत। देखिए बेटा 1 1 की घात 9, मतलब ये तो आपको यूनिट डेट 1 ही देगा, 2 कितना देगा, 2 की घात कितना है, 9 ही है, ठीक है। तो देखो ये सबको 4 से विभाजित करने पे 1 ही आ रहा है, शेष पर 1 ही आ रहा है, तो मतलब क्या है कि सभी यूनिट डेट अपना खुद ही नंबर देंगे बच्चे। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। और 11 से फिर से यही चलेगा, सर एक बार आप बोलो वरना हम 4 बजे क्लास में आएंगे, क्या बोले बेटा आशीष बताइए क्या बोलवाना चाह रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 ये बेटा सेम, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बच्चे देखो इसका भी सम कितना 45 है, इसका भी सम 45 है, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा बच्चे 90, इट मीन्स यूनिट डेट तो बच्चे हमारे पास कितनी आ रही होगी, 0 ही आ रही होगी और कुछ नहीं आएगी, यानी कितनी आएगी बेटा 0, यानी कि ऑप्शन ए बेटा। भगत देख लेना तो ये बहुत ही आसान है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे होंगे। बताइए बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 ना बड़ा ही सही सा क्वेश्चन है, ठीक। आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए, आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 10 उस क्लास में कराऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वो आपको दिखेगा तो इकाई के अंक का, यानी लास्ट के 2 डेट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो रिमाइंडर थ्योरम है, समझ रहे हो ना, वो एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही बढ़िया और अल्टीमेट क्वेश्चन है बच्चे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आता है तो। क्योंकि अब ये देखोगे तो ये आखिरी के 2 अंक आपको बताने हैं, ये है तो बड़ा ही आसान, ये है तो बड़ा ही आसान, लेकिन ये होगा बेटा रिमाइंडर थ्योरम से। क्योंकि मैंने आपको बताया था इकाई का अंक निकालने के लिए 10 से विभाजित करते हैं, और लास्ट के 2 अंक निकालने के लिए 100 से विभाजित करोगे तब बेटा वो आपको लास्ट के 2 अंक देंगे। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीन शॉट ले लो, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जेन्युइनली समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। और इसका आंसर बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे जल्दी सॉल्व करना है, वो कहानी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके स्टूडेंट्स क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है। ओके सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे।
ओके सभी बच्चे, वीडियो खत्म होने के बाद सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं बेटा चेक करूंगा, मैं उन बच्चों का सबका नाम मिलूंगा जो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लेके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेशन के लिए बच्चे इतना ही। सभी बच्चे जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने बेटा पहली बार वीडियो देखा है, वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और क्योंकि और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे बेटा यहाँ पे जो भी बच्चे सेशन शेड्यूल हो उसका आपको नोटिफिकेशन बेटा मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, सही बच्चे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सेशन में जो आज हमारा 4:30 बजे होगा, तो सभी बच्चे 4:30 बजे क्लास में भी जरूर आइए। ओके।